अजवाइन की स्मेल को दूर करने के लिए, वहाँ से बदबू आती है, वहाँ भी बैक्टीरिया पनपने लग जाते हैं। बालक के ऊपर कुछ वाइट वाइट सा चिपका नज़र आता है और वो स्मेल है कि जाती नहीं है, साफ़ कर लो फिर बार बार आ जाती है। आप रोज़ रोज़ जितना भी डिओडोरेंट लगाओ, परफ्यूम लगाओ, वो स्मेल जाती नहीं है, पूरी तरह से ठीक नहीं होती। तो उसके लिए कुछ उपाय है मेरे पास, लेकिन आपको उन उपायों को कंटिन्यू करना पड़ेगा। कम से कम एक हफ्ते आपको ट्राई करके देखना पड़ेगा वो काम करता है या नहीं करता है, उसके बाद ही आपको रिजल्ट मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल मम्मी एंड बेबी केयर में आपका स्वागत है। तो चलिए जानते हैं उन उपायों के बारे में। नींबू, पसीने की बदबू से छुटकारा पाने के लिए नींबू का प्रयोग भी किया जा सकता है। इसे इस्तेमाल करने के लिए नींबू को आधा काट कर उसे अंडरआर्म्स पर 10 मिनट के लिए रख ले और उसके बाद उसे धो ले। एलोवेरा, आप थोड़ा सा एलोवेरा जेल ले और रात को सोने से पहले अपने अंडरआर्म्स पर लगाएं। इसे रात भर रहने दे और अगली सुबह पानी से धो ले, इससे आपको अंडरआर्म्स की बदबू से राहत मिलेगी। गुलाब जल को आप अंडरआर्म्स पर पसीने वाली जगह पर स्प्रे कर ले या रुई की मदद से अंडरआर्म्स को साफ करें। अगर आप नहाने के पानी में भी थोड़ा सा गुलाब जल मिलाकर नहाएंगे तो इससे भी पसीने की बदबू से राहत मिल सकती है। बेकिंग सोडा, आप एक चम्मच बेकिंग सोडा को नींबू के रस में अच्छी तरह मिलाएं और इसे अंडरआर्म्स पर 15 मिनट के लिए लगा कर रखें। इसके बाद अच्छी तरह से नहा लें, पसीने की बदबू से राहत मिलेगी। फिटकरी में एंटीसेप्टिक गुण होते हैं। आप नहाने से पहले 3-4 मिनट तक फिटकरी को अंडरआर्म्स पर रगड़ें और अच्छी तरह से धो लें। ऐसा करने पर अंडरआर्म्स से बदबू नहीं आएगी और फिटकरी बैक्टीरिया को ख़त्म करने का काम करती है। आज का सबसे उपयोगी और पावरफुल नुस्खा है आधा चम्मच कोकोनट ऑयल, आधा चम्मच नींबू का रस और एक चुटकी बेकिंग सोडा। इन तीनों को मिलाकर आप अपने अंडरआर्म्स पर 15 मिनट के लिए रखें और उसके बाद इसे धो लें। इससे आपका अंडरआर्म्स से बदबू नहीं आएगी और उसका जो कालापन होता है वो भी धीरे धीरे दूर हो जाएगा। मैं फिर से दोहरा रही हूँ, किसी भी उपाय को काम करने के लिए कम से कम एक हफ्ते का टाइम लगता है, तो आप इसे एक हफ्ते का टाइम दें, इन उपायों को ट्राई करें और रिजल्ट आपको साफ साफ दिख जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।